नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाएंगे और साथ में उन सभी सवाल का आपको जवाब भी बताया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हर सवाल के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आप चाहें तो उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मज़ेदार सवाल जवाब के वीडियो को शुरू करते हैं मस्त सवाल जवाब के साथ। दोस्तों, इस वीडियो का आज का पहला सवाल है आपके लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और सवाल ये है, ऐसा क्या है जो शादी के बाद हर लड़की की बढ़ जाती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा, शादी के बाद हर लड़की के घर संभालने की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगला सवाल है आपके लिए दूसरा नंबर, ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला, पाइनएप्पल, ऐसे कई सारे फल हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं। दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है आपके लिए, ऐसी कौन सी मछली है जो पेड़ पर भी चढ़ सकती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है मड स्कीपर। मछली के दोनों साइड छोटे छोटे फिन होते हैं जिसके सहारे वह 2 फीट तक की छलांग एक बार में लगा सकता है, और इन्हीं छोटे छोटे पंखों की वजह से यह पेड़ पर भी चढ़ सकती है। ये मछली पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सांस ले सकती है। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए चौथा नंबर, खाना खाने के कितनी देर बाद दवाई खाना चाहिए? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही जवाब है, दोस्तों, अगर खाना खाने के पहले दवाई लेने का निर्देश दिया गया है तो खाना खाने के आधा घंटा से 1 घंटा पहले ही दवाई खा लें, और अगर खाना खाने के दौरान कहा गया है तो खाना खाने के ठीक पहले दवाई खा लें, और यदि अगर खाना खाने के बाद दवाई खाने का निर्देश दिया गया है तो खाना पचने का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, खाना खाने के तुरंत बाद दवा खा लें। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए पांचवा नंबर, सबसे पहला मोबाइल ऐप किसने और कब बनाया था? इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा, सन 1993 में सबसे पहले IBM के R&D विभाग ने सबसे पहले मोबाइल ऐप बनाया था। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए छठा नंबर, दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में फनल वेव स्पाइडर की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मकड़ी 15 मिनट में ही किसी को भी मार सकती है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। अगला सवाल है आपके लिए सातवां नंबर, लड़की के शरीर का कौन सा अंग छूते ही उत्तेजना बढ़ जाती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा नितंब। अगला सवाल है आपके लिए आठवां नंबर, कौन से जानवर का दिल उसके सर पर होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है, समुद्र में ऐसे कई सारे जीव होते हैं पर उनमें से एक समुद्री केकड़ा होता है जिसका दिल उसके सर पर होता है। अगला सवाल है आपके लिए नौवां नंबर, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है? दोस्तों, आपने भी इस सवाल के बारे में कई बार सोचा होगा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक वह जो मुर्गी और मुर्गा के मिलन से अंडे प्राप्त होता है जिसमें कुछ दिन बाद चूजे निकल आते हैं, इसे मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा अंडा ऐसे होते हैं जो मुर्गियां देती हैं और वह मुर्गियां कभी भी मुर्गे के संपर्क में नहीं आई हुई होती हैं, इसे शाकाहारी की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इस अंडे से चूजे नहीं निकलते हैं। फार्म में अंडे देने वाली मुर्गी ऐसे ही होती है, यह अंडे नॉन फर्टाइल होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए दसवां नंबर, क्या ज्यादा हस्तमैथुन करने से पिता नहीं बन सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है, पिता बनना और हस्तमैथुन का कोई भी संबंध नहीं है, इससे शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। एक अध्ययन के अनुसार ज्यादा हस्तमैथुन करने से पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसका पिता बनने से कोई भी लेना देना नहीं होता है।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।